चुनावों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। लोगों में चुनावों के दौरान सुरक्षा की भावना पैदा हो, इसलिए शहर में जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने अध्यक्षता में जगह जगह सेना की मार्च पास किया और सोलन की जनता को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं और बिना किसी डर के वह मतदान करने के लिए घरों से निकल सकते हैं। जिला के संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों का चयन कर वहां सेना की टुकड़ियों को भेज दिया गया है ताकि चुनाव पारदर्शिता के साथ बिना किसी दबाव और घटना के हो सके। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मतदाताओं में भय का वातावरण दूर करने के लिए सेना का जिला में सभी हिस्सों में मार्च पास करवाया जा रहा है ताकि एक ओर जहां मतदान में विघ्न डालने वाले तत्वों को चेतावनी दी जा सके और दूसरी ओर मतदाताओं में ये भावना पैदा हो कि वह मतदान के समय पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि जिला में 4 सेना की टुकड़ियां चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार तैनात कर दी गई हैं जो सोलन जिला की दिन रात निगरानी कर रहे हैं। मुहिम यही है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में चल रही है। इस टाइम दालाघाट में भी है, इस टाइम परवानू में भी है, कलरकी में भी हुई, अलग अलग प्लेसेस में इनकी प्रेजेंस नज़र आए। लोगों में एक विश्वास आता है कि जब पैरामिलिट्री आ जाती है कि अब जो इलेक्शंस होंगे वो फेयर होंगे, हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ हैं और ये लोगों की सुरक्षा के लिए, शांति बहाली के लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हमारा जो प्रयास। अब हम ऑलमोस्ट लास्ट फेज इलेक्शंस में हैं, जब अब 72 घंटे कम रह गए हैं। हम आभारी हैं BSF, ITBP जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यहाँ चल रहे हैं। लोग आए निकले और हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारे इलेक्शंस हैं वो पीसफुल, फ्री और फेयर रहेंगे। हमारी इसमें पुलिस की टीम्स और इसमें पैरामिलिट्री की टीम्स पूरे ज़िले भर में जगह जगह घूमकर पुलिस पिकेट्स लगाकर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं और मैं आभारी हूँ उनकी टीम का भी। ये सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे यहाँ ड्यूटी चली हुई है।